हेगाइज होप सो यू विल बी फाइन आज की जो वीडियो है दैट इज रिलेटेड टू हेरोिकल इनहेरिटेंस प्रीवियस वीडियोस में मैंने सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं हेरिकल इनहेरिटेंस में बेसिकली ये होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है और उसकी बहुत सारी सब चाइल्ड क्लासेस होती हैं ठीक है थीके? इसका डिफ्रेंस ये है कि मल्टी लेवल में तो आपकी चाइल्ड के आगे से सब चाइल्ड थी ना जो सब चाइल्ड क्लास थी वो चाइल्ड क्लास को एक्सेस कर रही थी ठीक है उसको एक्सटेंड करी थी बट ये हो सकता है कि आपके पास एक मेन क्लास है पेरेंट क्लास उसके बहुत सारे चाइल्ड हैं वो सारे पेरेंट क्लास को ये एक्सटेंड करें तो ये भी तो सिनारी हो सकता है तो इसको बोलते हैं आप हेराटिकल इन्हेर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि जैसे एक फादर और उसके ज्यादा सन्स हैं, ठीक है तो सिंगल इनहेरिटेंस में तो क्या एक ही सन हो और जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है उसमें यह था कि ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर के आगे से आपके फादर आ गए और फादर के सन आ गया ठीक है लेकिन आपके पास जो हेारिकल इन्हेरटेंस इसमें यह होता है कि फ़ादर एंड देन मल्टीपल सन्स ठीक है तो इसको आप बोल रहे होते हो हेरारिकल इनहेरिटेंस तो इसकी एग्जाम्पल के लिए मैंने सेम एक एनिमल की क्लास ली हुई है और उसके बाद आपकी एक मेन क्लास है जिसके अंदर मैंने मेन फंक्शन बनाया हुआ है इनहेरिटेंस वाली जो एनिमल वाली क्लास है उसके अंदर क्या होगा अब मैं यहाँ पर नीचे इसके इससे कुछ इसकी चाइल्ड क्लासेस एक्सटेंड कराती हूँ और वहाँ पर हम लोग शो कराते हैं कि कैसे होती है आपकी मल्टी हेरिकल इन्हीटेंस तो मैं एक क्लास बना लेती हूँ डॉग की विच एक्सटेंड्स क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस शो करानी है तो एक्सटेंड किसको कर रही है एनिमल क्लास को दैट्स इट और यहाँ पर मैं एक्सटेंड्स का मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है एंड इट इज़ और यहाँ पर मैं इसका एक, एक अपना फंक्शन बना लेती हूँ वॉइड बार्क के नाम से क्योंकि डॉग जो है वो बार्क करते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी कि यह डॉग का फंक्शन है तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ प्रिंट स्टेटमेंट एक के प्रिंट स्टेटमेंट क्या है जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ डॉग इज बार्किंग। डॉग इज इट। और अब एक और मैं क्लास बनाती हूँ जो कि मेरी वो भी पेरेंट क्लास को एक्सेस करेगी जिसका नाम कैट है ठीक है एक्सटेंड्स एनिमल ठीक है तो अब ये भी एनिमल को एक्सटेंड कर रही है। तो इसके अंदर मैं जो फंक्शन बना रही हूँ वो मेरा होगा नियाओ इसमें प्रिंट स्टेटमेंट जो दे रही हूँ दैट इज कैट इज मियांग ओके डन ये सिंपल एक मैंने कौन सा बनाया है रेडिकल uh, इनहेरिटेंस का अब मैं क्या करती हूँ अगर तो मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ डॉग का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो डॉग डी इज इक्वल्स टू न्यू सॉरी 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 ये मैंने स्पेलिंग की मिस्टेक की अगर मैं एक्सटेंशन वाला फीचर ले लेती तो ये मिस्टेक नहीं आती बट चलो खैर ओके डी डॉट क्या करते हो बार्क का फीचर आ गया एंड डी डॉट ईट का आ गया डन दोनों काम हो रहे हैं सेम इज द केस विद कैट कैट न्यू एंड देन कैट डन सी डॉट मियाउ का फीचर आ गया एंड देन सी डॉट ईट का फीचर आ गया ओके okay. दोनों एक्सेस हो रहे हैं ना कैट भी एनिमल के ईट को एक्सेस कर पा रही है और डॉग भी एनिमल की ईट को एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि दोनों की पेरेंट क्लास एनिमल ये दोनों एक दूसरे की फंक्शनलिटीज एक्सेस नहीं करेंगे ठीक है डॉग जो है वो बार्क वाला तो मेथड एक्सेस कर सकता है बट डॉग म्याऊ वाला मेथड एक्सेस नहीं कर सकता कैट बार्क वाला एक्सेस नहीं कर सकती बट दोनों क्लासेस अपनी एनिमल क्लास वाले फीचर्स को एक्सटेंड कर सकती हैं ठीक है तो अब इसको मैं अगर रन करके देखती हूँ तो कोई एरर नहीं आएगा डॉग इज़ बार्किंग एनिमल ईट्स एंड कैट इज मेइंग एन एनिमल ईट्स हो गया ओके okay, यहाँ तक आपको मल्टीपल लेवल का इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का समझ आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग